हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम और इसका पार्ट टू। पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में इकोसिस्टम में, और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट अपन डिस्कस कर चुके थे पार्ट वन में, और पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में भी जो दो कंपोनेंट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे होते हैं हीटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स वी हैड डिस्कस्ड। नाउ इन दिस इकोसिस्टम पार्ट टू वी विल डिस्कस अबाउट द हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफ्स जो हैं हम सब जानते हैं, जो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर इंडिविजुअल्स फॉर देयर सर्वाइवल। इनमें क्या होता है, दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स में से अपना फूड जो है वो प्रोक्योर करते हैं, लेते हैं, और इनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, क्योंकि ये फूड को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जो फूड बना प्लांट्स के द्वारा, इनको हम बोलेंगे हीटरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स, और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। एंड दीज इंक्लूड एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये सब किस में आएंगे, हीटरोट्रॉफ्स में आएंगे, एंड दीज आर द कंज्यूमर्स। और इन हीटरोट्रॉफ्स को दे आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू द ट्रॉफिक लेवल्स। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में ये क्या करते हैं, क्लासीफाइड होते हैं। सबसे पहला होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हम जानते हैं, दीज आर एनिमल्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड आर कॉल्ड ग्रेजिंग हर्बीवोर्स और कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर और द प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं हम सब जानते हैं, जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। दीज आर द एनिमल्स एंड पैरासिटिक एनिमल्स जो कि डायरेक्टली फीड करते हैं किसको, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को, और ग्रेजिंग हर्बीवोर्स दे आर द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, या कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और इनको हम डिनोट करते हैं C1 से, कैपिटल C1। एंड दे बिलोंग टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एंड दीज आर द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल T2। ऑटोट्रॉफ्स जो थे दे वर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1, और जो ये हर्बीवोर्स हैं दे आर द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल T2। दे यूज ओनली अ पार्ट ऑफ द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड इनसाइड देयर बॉडी कन्वर्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट्स इन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ देयर बॉडी बाय अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। दे सर्व एज फूड फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि दे सर्व एज फूड फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये जो T2 है ये क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको बोलते तो हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर हैं, और दे आर द प्रोड्यूसर्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ इसमें क्या आएगा, मैनी इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, स्टिक इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड हनी बीज, मेडोमाइस, रैबिट्स, गोट्स, काउ, डियर, एलिफेंट्स एंड बर्ड्स लाइक द पैरट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ये क्या करेंगे, इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओके, सेकेंड जो है दैट इज़ द कार्निवोर्स। नाउ दीज आर एनिमल्स विच फीड ऑन हर्बीवोर्स। ये क्या करते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, जो हर्बीवोर्स प्लांट एनिमल्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, एंड दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इनको हम क्या करेंगे, डिनोट करते हैं कैपिटल C2 से, या इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3। मैनी इंसेक्ट लाइक प्रेइंग मैंटिस, बीटल्स एंड क्रिकेट्स, स्मॉल फिशेस, फ्रॉग्स एंड टोड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स लाइक स्पैरोज, क्रो, वुडपेकर एंड माइनर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो छोटे बर्ड्स और एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये क्या किस में आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स में आते हैं, या इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3। उसके बाद आता है टॉप कार्निवोर्स।
टॉप कार्निवोर्स जो हैं दीज आर एनिमल्स विच आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय एनी अदर एनिमल। इनमें टॉप कार्निवोर्स में क्या आते हैं, इनको जो है कोई दूसरा जो प्राणी एनिमल उनको नहीं खाता है, टॉप लेवल के होते हैं। दे आर टर्शरी कंज्यूमर्स, और इसमें क्या इनको क्या बोलते हैं हम, टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, या C3 कैपिटल C3 उनको डिनोट इसे डिनोट किया जाता है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल T4। एंड इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं शार्क्स, बड़े बड़े शार्क जो होते हैं, क्रोकोडाइल, आउल, ईगल, काइट एंड द हॉक, स्टॉक, डक, हिरन, गल्स, किंगफिशर एंड कॉर्मोरेंट एंड द टाइगर एंड द लायन। ये सब ऐसे बड़े एनिमल्स हैं जिनको कोई नहीं खाता है, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट द टॉप कार्निवोर्स। एंड एनिमल्स बिलोंगिंग टू द T3 एंड T4 ट्रॉफिक लेवल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स। जो T3 और T4 लेवल के जो एनिमल्स हैं उनको प्रीडेटर्स भी कहा जाता है। देर आर सम एनिमल्स हुज ट्रॉफिक लेवल इज़ नॉट ईजी टू डिटरमाइन। नाउ इसको कई होते हैं, जैसे मैन है, दे यूज़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड, एंड दे आर द ओमनिवोर्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। नाउ क्वाइट ऑफन क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स इज़ नॉट शार्प। कई बार क्या होता है, टॉप कार्निवोर्स को हम बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईगल और काइट जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे माइट ईट द हर्बीवोरस माउस ऑल्सो, उनको माउस को भी खा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम का जो कॉम्पोनेंट है, हमने पढ़ा एबायोटिक कॉम्पोनेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा बायोटिक कॉम्पोनेंट के बारे में जिसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफ्स में हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं और टॉप कार्निवोर्स आते हैं। और तीसरा जो कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम का वो होता है डीकम्पोजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये भी। इसमें क्या है, दीज आर द सेप्रोफिटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया दैट लिव ऑन और नियर द सॉइल लेवल। ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सॉइल लेवल या सॉइल में रहते हैं, नियर सॉइल लेवल रहते हैं, एंड ओबटेन दियर फूड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये क्या करते हैं, कहाँ किस पे सर्वाइव करते हैं, दे ओबटेन दियर फूड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स विच फॉल डाउन ऑन द सॉइल एंड इन द केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम द डेड फाइटोप्लैंक्टन एंड द एल्गी दैट फॉल डाउन टू द बॉटम कॉन्स्टिट्यूट वॉट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस। अब जो लीव्स और ट्विग्स होती हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स से नीचे गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं सॉइल में, और अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जो डेड फाइटोप्लैंक्टन है जैसे एल्गी है, और जो प्लांट्स हैं पानी के प्लांट्स, वो क्या हो जाते हैं, दे फॉल डाउन द बॉटम, और इनको हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। The decomposers include the soil fauna and bottom-dwelling animals in aquatic systems, and these obtain food from the detritus and are called detritus eaters. इनको हम detritus eaters बोलते हैं। Among the detritus eating animals are protozoa. इनको हम क्या बोलेंगे, the common examples जो हैं detritus eater के, they are protozoa, soil mites, nematodes, snails, etc. The bacteria and fungi and detritus eating animals complement the function of each other. The saprophytic animals break the detritus into small pieces. These small pieces are decomposed by the saprophytic bacteria which obtain their food in the process. The bacteria are in turn eaten by the saprophytic animals. The bacteria jo hain they are in turn eaten by the saprophytic animals. The bacteria and the detritus eating animals thus seem to act in partnership. Now jo decomposers hain, the decomposers are the top consumers. Ye jo decomposers hain they are the top consumers jinko hum denote karte hain C4 se, and constitute C4 and constitute the last or the fifth trophic level jisko hum bolte hain T5. They play a vital role in the physiology of the ecosystem. The green plants obtain a number of minerals and salts from the soil, which are essential for their growth and development. These minerals like calcium, potassium, iron, phosphorus, and nitrates are also essential for animal life, which obtains them from the green plants.
Plants and animals live and reproduce and ultimately die. The essential minerals remain in a bound condition in their bodies. If there were no way of returning them to the soil, the consequences for the ecosystem will be disastrous. The essential minerals will become deficient in the soil, which will become infertile and incapable of supporting the green vegetation on the animal life depends. अब क्या होता है, जो ये decomposers हैं बहुत important हैं, जो क्या करते हैं, animals और plants की bodies को decompose करते हैं और वापस जो है soil को क्या करते हैं, fertile करते बनाते हैं. और अगर ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे क्या होती, जो soil होती है वो sterile हो जाती और उसमें जो plants का जो growth थी, that was just impossible. And the life on the earth was just impossible because without these decomposers. Now, by decomposing the dead plants and animals, the decomposers release the minerals in the soluble form and return them to the soil, where they are reutilized by the old and the new generations of the green plants. अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, वापस रिटर्न कर देते हैं किसको, मिनरल्स को, ताकि जो है प्लांट्स जो हैं उसके ऊपर वापस इसको रीयूटिलाइज कर सकें और जो है नई जनरेशन जो है प्लांट्स की, उनके द्वारा उसको यूटिलाइज किया जा सके. Some of the decomposers also fix atmospheric nitrogen. बहुत important part है ये ecosystem में. जो decomposers हैं वो क्या करते हैं, कुछ they also they fix the atmospheric nitrogen, leading to increase the fertility of the soil. Soil fertility को increase करते हैं. The decomposers thus play an essential role in the recycling of raw materials in the ecosystem. और इसीलिए क्या करते हैं, ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रॉ मटेरियल्स को रीसाइकलिंग का, इकोसिस्टम रीसाइकलिंग में. बट फॉर दीज डिकम्पोजर्स द अर्थ विल बी फिल्ड विद द डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल साइजेस, थ्रोइंग द फिश आउट ऑफ द सी एंड लीविंग नो रूम ऑन द लैंड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब क्या होता है, दे क्लीन द अर्थ बाय डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स. ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ और एनिमल्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं डिकम्पोज के द्वारा, और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं. तो ये जो थे कुछ कॉम्पोनेंट्स है इकोसिस्टम के. एंड दिस फिनिशेज विथ योर द जनरल इंट्रोडक्शन एंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम.